आज मैंने पहले दूध बॉईल करने के लिए रखा था कि पता चल जाए ये खराब तो नहीं है। उसके बाद मैं इसमें पत्ती चीनी वगैरह डालूंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार अभी का सीन कुछ इस तरह है कि आज हमारी 2:30 बजे क्लास थी और हमारी 7 बजे तक क्लासेस हैं। सुबह वाली 2 क्लासेस थी वो, लेकिन वो टीचर एबसेंट है, लाइक उनकी वो लीव पे, मेडिकल लीव पे। तो हमारे 3 क्लासेस हैं आज। तो यार जो दूध था हमारा वो अल्हम्दुलिल्लाह से आज ठीक निकला, नहीं तो रोज ही जो हम दूध लेके आते हैं वो खराब निकला। आज हमने ना कंपनी चेंज करके लिया था। तो बाकी अभी हम तैयार होते हैं जाके। तो यार चेंज वगैरह करके तैयार श्यार होकर अब हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और आज हम टाइम पे हैं। चलो यूनिवर्सिटी चलते हैं। और आज काफी खूबसूरत सनी वेदर है, काफी अच्छा मौसम है, नॉर्मल सा। मतलब अगर ऐसा मौसम होना यहाँ पर तो क्या ही बात है, पर यहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है। पर आज यहाँ का वेदर काफी अच्छा है, मतलब 12-13 डिग्री है। सर अभी हमारे साथ ये हुआ है कि मतलब ना यहाँ पर बस इसके ऊपर लिखा होता है कि ये इसका रूट है, इसने इधर इधर से जाना है। तो खैर हम अपनी लोकेशन के मुताबिक बैठे, उसके ऊपर लिखा होता है भाई ये कार आज कार जाएगी। अब ये इतनी लंबी इतनी बड़ी सारी लोकेशन होती है, तो हम बैठ गए। फर्स्ट टाइम हम उस नंबर मशरूद के ऊपर बैठे यूनिवर्सिटी के आने के लिए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही राइट मुड़ गया और हमें यहाँ उतरना पड़ा। तो शुक्र है क्लास में तकरीबन 15 मिनट हैं अभी, तो अभी हमने टैक्सी करवाई है, अभी हम उस पर यूनिवर्सिटी जाएंगे। तो इस तरह के भी प्रैंक हो जाते होते हैं। बड़ा सनी डे यार, कितना खूबसूरत मौसम है आज। भाई के बिस्तर पहले उस तक खाशो да а дальше вон там выйдешь да а нет туда стоп просто подожди хорошо вон сразу да आज काफी लोगों की क्लासेस है, लगता है बहुत रश पड़ा भैया। प्रेजेंट सर इकबाल के शीर नकल मारते हुए स्पीड है ना तेरी वजह है। अल्हम्दुलिल्लाह यार अभी हम यहाँ से फिश लेंगे, मलिंगसी वाली 3 किलोग्राम। किलोग्राम 130 ग्राम। хорошо 339 ज़्यादा хорошо 40 да хорошо ये साफ करके भी दे रहा है। Люблю в тебе, Кыргызстан. Покушать, что вкусно здесь? Как? Блюдо из Кыргызстана. Да, кебаб. А, кебаб, шашлык? Да, шашлык, шашлык. Мясной курман, да? Лукман, кебаб. आगे रखती हूँ सिंक में और गूगल का तरीका देखती हूँ, मैं इसको साफ करती हूँ। कुछ स्टाइन्स वगैरह वो निकाल रहा बाहर। चलो जी अभी अभी हम यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे हैं, जो हमारी लास्ट क्लास थी, जो हमारी मतलब 4-5 बजे जो क्लास थी, तो 7 बजे ख़त्म होती, वो अल्हम्दुलिल्लाह कैंसिल हो गई थी। और यूनिवर्सिटी से आते आते नीचे उतरे ब्रिज से हम, तो मैंने देखा फ़िश पड़ी हुई थी और लिटरली मैंने 3 सालों से फ़िश नहीं खाई, मतलब प्रॉपर जो पाकिस्तान में हम खाते थे ना मज़े वाली फ्राइड फ़िश, तो वो नहीं खाई मैंने। और बस भी वो नज़र आई तो बस मैंने फिर उसे ली और उसने साफ़ सूफ कर दिया ऊपर से, उसके जो वो विंग या फर वगैरह जो भी ऊपर से उसको साफ़ होना था अंदर से कर दिया। अब इसको घर जाके हमने खुद विंग्स वगैरह इसके काटने हैं, फिन्स सॉरी, और
इसको मसाले मसाले लगा के तो रख देंगे, इसकी स्मेल ख़त्म करेंगे। लेट्स सी, जब लिफ्ट ख़राब हो और आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़े 9th फ्लोर तक। ओह माय गॉड, कट नहीं ठीक लगाए। रुको, तो गाइस दिस इज आवर फिश, इसको हमने अभी जस्ट निकाल के ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा साफ किया है काफ़ी हद तक। अभी इसकी हम स्मेल निकालेंगे। जो फिश है अच्छे से साफ हो गई, इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो गई। पहले इसको मैं नमक वाले पानी से धोया, फिर सिरके वाले पानी से, फिर एक और चीज़ थी आटा समथिंग, उसकी जो लेस टाइप कुछ होता है वो ख़त्म करने के लिए उससे भी धोया है। अब इस पर हमने दही लगाया है ये, और अब हम बस ये साफ़ है, अब इससे स्मेल भी नहीं आ रही होती। लेकिन कितनी माशाल्लाह प्यारी हमारी फिश है, कितनी साफ़ सुथरी सी लग रही है। और अब हम इसमें बस जो इसके मसाला ज़्यादा हैं, जो मसाले लगा के जिसे हमने फ्राई करना है, अब वो लगाने लगे। लाल मिर्च, गरम मसाला, जितने भी आप घर में मसाले हैं ना, सारे इसमें डाल दें, बहुत छोटा जाएगा। जो भी कॉमन मसाले होते हैं, और ये जो अदरक लहसुन का और दही का और मिर्च का हमने पेस्ट बनाया था वो डाल दें। यार जो मैदा होता है ना, जिसको वाइट फ्लोर कहते हैं, अभी हम वो डालेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये अच्छे से फ्राई हो जाए। बहुत है इतने लगे। मैं जो हूँ ना, वो बंदा हूँ जिसने मतलब कभी ज़िंदगी में जो हड्डी वाला चिकन भी होता है ना, उसको भी प्रॉपरली पकड़ के साफ़ नहीं किया। बस बोनलेस मीट, हाँ मैं थोड़ा बहुत चिकन का पकड़ कर कुड़ लेती हूँ। लेकिन मुझे क्रेज़ चढ़ा हुआ था काफ़ी दिनों से कि हमने फ़िश बनानी है घर में, और बस ओश बाज़ार जाना था, जाते 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 जा ही नहीं पा रहे थे। काफ़ी कैसे कैफे से मिलती भी है फ़िश, लेकिन वो अच्छी नहीं होती, कहीं बोनलेस होती है। बोनलेस का वैसा मज़ा तो नहीं आता जो हम पाकिस्तान में फ्राइड फ़िश खाते हैं। उसके अलावा फ्राइड फ़िश भी मिलती है एक दो रेस्टोरेंट से, लेकिन वहाँ का इतनी टेस्टी नहीं होती। तो बस इसीलिए हमारे दिल में था कि हम बनाएं। तो अब ये भी मुझे पता था कि यहाँ पर ये सही तरह साफ़ करके नहीं देते, मतलब कटिंग करके नहीं देते। तो खैर उससे थोड़ी बहुत उसने साफ़ की थी, अंदर से थोड़ा बहुत गंद निकाला और ऊपर से उसका उतार दिया था। तो अब बाकी जो काम था वो हमें खुद करना था, तो मैं बहुत डरी हुई थी ऑब्वियसली यार। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने फिश को काटा, मैंने पहले उसको टच किया, फिर मैंने उसको प्रॉपर टच किया, फिर मैंने उसके फिन पकड़े उसको, फिर मैंने कहा यार छोड़ो जो भी है, फिर मैंने उसको पकड़ दिया, अच्छी तरह धोया और उसकी मतलब बिल्कुल उसकी गलाजत उतारी, जो उसकी अंदर से भी हाथ मार के उसके सारा गंद वगैरह निकाला। बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ नहीं थी वो, मैंने उसको फिर कटिंग वगैरह की। खैर फिर जो थी उसको हमने मसाला लगा के भी फ्रिज में रख दिया। इंशाल्लाह आज तो नहीं, कल खाएंगे, और अभी शायद हम बना के ट्राई करें कैसी बनी है, तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी। तो यार दिस इज आवर फिश, और इसको भी इसमें फ्राई करेंगे अब, लेट्स सी कैसी बनती है। तो फिश हमने काटी थी ना, अभी हम उसको फ्राई कर रहे हैं, और ये जो मसाले वाली फिश थी कुछ ये पड़ी हुई है, और ये आपके बहाने रोटियां बना के रखे हैं। तो जो हमारी फिश है वो बन के रेडी हो गई है, और मतलब हमने पूरा इसको एक नाइट मसाले लगा के रखा है ताकि इसकी जो स्मेल है, वैसे स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आती हमारे इसको। कल काफ़ी सही लग जाए साफ करके, सिरका दही आटा पता नहीं करके हमने लगा के इसको धोया था। जो जो यूट्यूब पर नज़र आ रहा था, जो जो अम्मियों की रेसिपी वो हमने किया था, लेकिन फिश की स्मेल कल ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर भी हमने इसको एक नाइट मसाला लगा के रखा था कि मज़ीद स्पाइसी हो जाए। तो अभी बहुत मज़े की फ़िश बनी है, और हमने थोड़ी सी रिसर्च की थी इस फिश के बारे में, मुझे तो आपसे शेयर करूँगी। ये जो फिश है बेसिकली ट्राउट है, इस फिश का नाम है ट्राउट। तो काफ़ी अच्छी, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की, थोड़ी कांटेदार है। लाइक हमें तो बिल्कुल भी पहचान नहीं है फिश के, हम अल्लाह के सपोर्ट करके लाए थे, लेकिन फिश जो है ना वो बहुत मज़े की है।
ये है जी फिश की चटनी जो हमने बनाई है, ये बिल्कुल वैसी बनी है जैसे पाकिस्तान में बाजार से नहीं मिलती फिश के साथ, ग्रिल फिश, कोयलों वाली फिश और फ्राइड फिश के साथ मिलती है ना, ये बिल्कुल वैसी है। और ये हमारी फिश पड़ी हुई है। तो अभी जो चटनी की रेसिपी है भी मैं थोड़ी सी आपसे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त फिश वगैरह बनाते हैं यहाँ पर, तो चलो उनका फ़ायदा हो जाएगा। आपने इमली को भिगोना है, मतलब 2-3 घंटे उसको भिगो दें। जैसे वो भिगो देगी आपने उसके जो गुटली है ना, मतलब उसका पल्प और उसकी गुटलियों को साइड पर कर देना है अच्छी तरह से। उसकी गुटलियाँ जो वो निचोड़ लेनी है, और उसका जो पल्प होगा उसमें आपने थोड़ा सा बहुत बहुत मामूली पिंच, 2 पिंच नमक की, 2 पिंच लाल मिर्च, 2 पिंच काली मिर्च, और वाइट पेपर भी हमने डाली है। उसके अलावा सूखा धनिया अच्छी तरह उसको थोड़ा अपने हाथों में ग्राइंड करके वो, और थोड़ी सी बिल्कुल मामूली मतलब ये सब चीज़ें कम कम डाली हैं ताकि कम कम टेस्ट आए और अच्छा टेस्ट बने। अगर कोई एक चीज़ भी आप ज़्यादा डाल देंगे ना तो वो फिर ना उसी का टेस्ट आएगा। थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा हमने हनी भी डाला है, और थोड़ा सा हमने इसमें चीनी भी डाली है। तो ये सारा कुछ डाल के, और हरी मिर्च, और अगर आपको हमारे पास पुदीना नहीं था और हम जा नहीं पाए बाहर लेने, तो अगर आपका पुदीना तो उसको भी ग्राइंड करके डालें, टेस्ट डबल हो जाएगा। तो ये सारा कुछ डालें और बना के खाएं, आपको भी मज़ा आ जाएगा। पूरे बिस्किट में आपको ऐसी मछली नहीं मिलेगी जैसे आप घर बना खा सकते हैं इस चटनी के साथ। सर ये हमारा बटर बटर वाली रोटी है जो मैंने घर बनाई है, ये फिश है, और ये हमारी चटनी है, एंड वी आर इंजॉइंग अवर मील अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का व्लॉग। मैंने आपको दिखाया कैसे हम मछली लेके आए, हमने खाई, हमने पकाई और फिर हमने खाई, मतलब इंसान अपने पेट के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करता है ना। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।